तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन वहां पर आइकॉनिक को स्पॉट कर लिया गया है और आइकॉनिक को काफी ज्यादा डैमेज यहां पर दिया गया है। लेकिन क्या ये डैमेज इनके लिए वैल्यूएबल होगा या नहीं, दोनों प्लेयर यहां पर अपनी क्रोनो की शील्ड ऑन जरूर कर लिया और आइकॉनिक ने एक बहुत ही प्यारा कवर बनाया, पीछे से सपोर्ट देने की कोशिश की गई है, बट क्या इस सपोर्ट वैल्यूएबल होगा या फिर नहीं ये बखूबी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फाइनली जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो हम दोनों के लाइक हमारे सामने आ चुका है, वो थोड़ा सा बेट यहां पे बनाया एंड किलर उस चीज का बेट का बहुत ज्यादा परफेक्ट इस्तेमाल कर दिया, कोबरा को यहां पर डाउन कर दिया गया। बट सवाल ये उठता है कि ट्रेड फायर यहां पर निकाल पाएगी ब्लैक क्लिस इंटरनेशनल या नहीं, फिलहाल तो फीनिक्स के पास एक बहुत अच्छा हाइट एडवांटेज है, बट अली बॉय को भी यहां पर डाउन कर दिया है। किलर गोइंग क्रेजी राइट नाउ, दो प्लेयर्स को यहां पर ढूंढ लिया है ऑलरेडी, आइकॉनिक का एक ग्रेनेड बहुत अटैटी हो सकता है, बट मिरुल फाइनली यहां पर एक प्लेयर को डाउन जरूर करेंगे। आइकॉनिक का जो ग्रेनेड था वो खुद को यहां पर डाउन कर लिया गया, बट पीछे से आरडीपी आएंगे सपोर्ट दिया गया, एक प्लेयर और भी डाउन हो जाएंगे, वन प्लेयर रिमेनिंग फॉर ब्लैक क्लिस इंटरनेशनल एंड इट्स ऑल फॉलिंग अपार्ट एज वेल। फीनिक्स क्या अपनी टीम को यहां पर बचा पाएंगे, सवाल वो उठेगा। यहां पर निकाल लिया उन्होंने बट लैंड माइन का इस्तेमाल करके एक प्लेयर को डाउन करा था, आरडीपी इज डाउन ऑलरेडी, बट आइकॉनिक एंड किलर दोनों यहां पर मिलकर के ब्लैक क्लिस इंटरनेशनल को यहां पर एलिमिनेट कर देगी। दिस इज अ ह्यूज विन फॉर टीम एलीट एंड पहला फाइट यहां पर उन्होंने निकाल लिया अपने फेवर में बिना किसी प्लेयर को यहां पर गवाए। मजा आ गया ये देख करके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू सी। एंड किलर भाई साहब ये प्लेयर हमेशा